Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will study your 10th class English worksheet, worksheet number 87, which date is 23rd of February 2021. My dear students, इसमें लिखा नहीं हुआ है आपकी क्लास, तो इसमें क्लास 10 लिख लीजिए और इंग्लिश सब्जेक्ट लिख लीजिए, राइट? जो आज की आपकी वर्कशीट आई है ना स्टूडेंट्स, ये इसमें आपको कुछ क्या दिए गए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें चॉइसेस हैं और उसमें से सही चॉइस को आपको चूज करके आपको जो ब्लैंक है उसको फिल करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. हमें सही वर्ब फॉर्म चूज करनी है और सही वर्ब फॉर्म चूज कर करके इसको, ये जो खाली स्थान दिए गए हैं, इनको भर देना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है आपका द फेस्टिवल ऑफ होली इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर. जो फेस्टिवल ऑफ होली है आपका, क्या करता है, क्या करते हैं हम, मनाया जाता है किसके, किस मंथ में, मार्च में मनाते हैं हम हर साल. तो आप बताइए इसमें कम आएगा, कम्स आएगा, कमिंग आएगा या इज कमिंग आएगा. देखिए, हमने बताया था जो एक्टिविटी यूजुअली होती रहती हैं, बार बार होती हैं, यानी कि नियमित रूप से वो होती हैं, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं. सिंपल प्रेजेंट में जब आपका सिंगुलर वर्ब होता है तो उसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें वी वन में एस या ई एस लगाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल ऑफ होली, एक फेस्टिवल की बात हो रही है. तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका कम आएगा, कम्स आएगा, कमिंग या इज कमिंग, तो इसमें आएगा कम्स, है ना, क्योंकि एक फेस्टिवल है होली और इसके बारे में आता है हर बार, तो क्या होता है, कम्स आएगा. ठीक है, हर साल आता है, हर साल की बात हो रही है. अगर ये होता है कि आ रहा है मार्च के महीने में, आएगा या आने वाला है, तो इज कमिंग भी कर सकते थे, लेकिन ये बात हो रही है हर बार का बात है, मार्च के महीने में आता है, तो इसमें हम कम्स लिखेंगे, राइट. चलिए सेकंड सेंटेंस है, इट डैश अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स एज पीपल प्ले विद कलर्स. ये जो फेस्टिवल है आपका, ये कैसा है, रंगों का त्यौहार इसको बोलते हैं, क्योंकि लोग जो हैं इसमें कलर से खेलते हैं. ठीक है, तो इस कोल्ड आएगा, वोज कोल्ड आएगा, कोल आएगा या कोल्स आएगा. तो देखो बच्चों, वोज कोल्ड तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा नहीं बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है, और ये आपका पैसिव में बनेगा, तो क्या आएगा इसमें, इज कोल्ड आएगा. तो इसमें आपका कौन सा, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा. पहले वाले में आपका बी था और सेकंड वाले में ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. तो आप इसमें लिखेंगे, इट इज़ कॉल्ड अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स एज पीपल प्ले विद कलर्स. इसे हम रंगों का त्यौहार कहते हैं, क्योंकि रंगों से लोग इसमें खेलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, चिल्ड्रन डैश विद वाटर बैलून एंड पिचकारीज. जो बच्चे हैं पानी के गुब्बारे और पिचकारी से खेलते हैं. तो आपने देखा, हमें पता है कि जो हमारी हैबिट होती है, एक्टिविटी बार बार होती है, इस तरीके के सेंटेंस में ता है, ती है, खेलते हैं, इनमें क्या आता है, हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं. और सिंपल प्रेजेंट में आपकी वी वन आती है, वी वन में या तो आप एस या ई एस लगाते हैं सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं. ठीक है, तो आप देखिए, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल है, तो इसमें क्या आएगा आपका, प्ले आएगा या प्लेज आएगा, क्योंकि इस प्लेड तो आएगा नहीं, वोज प्लेड भी नहीं आएगा, तो चिल्ड्रन कई सारे बच्चे हैं, तो प्लेज तो आएगा नहीं आपका. तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, इट विल बी द करेक्ट आंसर. इसमें आप भरेंगे प्ले, राइट. चलिए चौथा है गुंजिया. गुंजिया आप सब खाते होंगे होली के त्यौहार पे, तो गुंजिया के बारे में बताया गया है, जो हमारी इंडियन स्वीट है. गुंजिया अ स्वीट सेवर्ड बाय ऑल ऑन दिस डे, जो सर्व्ड, क्योंकि गुंजिया क्या है, इस दिन सब लोग सर्व करते हैं, सब खिलाते हैं एक दूसरों को, एक मीठी चीज़ है. तो वो क्या है, इज आएगा, वॉज आएगा, आर आएगा, वर आएगा. देखिए, आर तो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि प्लूरल नहीं है, एक ही स्वीट की बात हुई है केवल गुंजिया की. अगर गुंजिया एंड और कोई मट्ठी या नमक पारे कुछ और होता तो हम आर लगा सकते थे, लेकिन गुंजिया अकेले मिठाई है, तो इसमें इज या वोज में से आएगा, है ना, वर और आर तो आ ही नहीं सकते. और वोज इसलिए नहीं लगाएंगे हम क्योंकि ये पास की बात नहीं है, ये तो अभी भी करी जाती है ना. तो गुंजिया ऐसी स्वीट है अभी भी, तो क्या करेंगे, गुंजिया इज अ स्वीट, तो इसमें क्या फिल कर देंगे, बी में, बी का जो ऑप्शन है इज, इसको ये सही ऑप्शन है आपका. तो गुंजिया इज अ स्वीट सर्व्ड बाय ऑल ऑन दिस डे, इस दिन पर सब लोग गुंजिया सर्व करते हैं. ठीक है, चलिए
अब आ जाते हैं आगे। आगे क्या हुआ, क्या दिया हुआ है हमारी वर्कशीट में। फिर आगे से कुछ खाली स्थान है, उन्हें हमें भरना है। और इसमें हमारे पास दिए गए हैं क्या कुछ ऑप्शंस, इन ऑप्शंस में से ढूंढना है और हमें भर देना है। चलिए, अब कोई दूसरा फोक फेस्टिवल की बात हो रही है। जो फोक होते हैं, जो हमारे लोकल फेस्टिवल होते हैं, जो मनाए जाते हैं ना, तो उनको कहते हैं लोक त्यौहार जो होते हैं। कौन से? फूल देई इज़ एन ऑक्यूपेशियस फोक फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक फेस्टिवल, एक त्यौहार मनाया जाता है, एक लोक त्यौहार है और उसका नाम क्या है? फूल देई है। ठीक है, द हार्वेस्ट फेस्टिवल दैस द वनस्ट ऑफ स्प्रिंग। और ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि जो आपका जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और क्या आएगा इसमें? द वनस्ट ऑफ स्प्रिंग सीजन, जो आपकी बसंत ऋतु है उसमें आता है। तो क्या आएगा इसमें? इजार मार्किंग आएगा, मार्क्स आएगा, या फिर आपका मार्कड आएगा, या तीन चार ऑप्शन है आपके पास, इज मार्किंग, मार्क्स और मार्क और मार्क। तो एक सेकेंड, ये आपका ऊपर नीचे करें तो ऊपर चला जाता है, ऊपर करें तो नीचे चला जाता है। चलिए अब करते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा द हार्वेस्ट फेस्टिवल मार्क द ओन स्प्रिंग, इसमें आएगा आपका मार्क। ठीक है, फेस्टिवल मार्क्स, क्योंकि ये आपका सिंगलर है तो इसमें हम एम ए आर के एस इसमें ये भर देंगे आपका मार्क्स। ठीक है, ये इसमें ये आ जाएगा। इट डैश इन द मंथ ऑफ चैत्र इन मिड मार्च, ये चैत्र महीने में आता है, बीच में, मार्च के बीच में और चैत्र मंथ में आता है। दोनों इन्होंने महीनों के नाम दे रखे हैं। हमारा हिंदी जो महीना है वो चैत्र होता है और जो हमारा इंग्लिश का महीना है वो मार्च है। तो अब बताइए इसमें से क्या आएगा? इट इज सेलिब्रेटेड, इट वो सेलिब्रेटेड, इट सेलिब्रेट, या इट सेलिब्रेटेड। तो बच्चों ये आएगा इट इज़ सेलिब्रेटेड, है ना। वो तो आ ही नहीं सकता, ना फिर आपका कोई दूसरा आ सकता है। इसमें आपका आएगा ये वाला ऑप्शन, इसमें आएगा इट इज़ सेलिब्रेटेड। ये मनाया जाता है चैत्र महीने में, जो हमारा मार्च के बीच में आता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे? इज सेलिब्रेटेड, ये आप ऑप्शन आपका ठीक होगा मेरे बच्चों। यहाँ पे भी लिख देती हूँ आपके जो खाली स्थान है। यहाँ पे तो हमारा आ गया था मार्क्स और यहाँ पे आ गया हमारा सेलिब्रेटेड, सी ई एल ई बी आर ए टी ई डी। ठीक है, चलिए। यंग गर्ल्स गो टू द नेबरहुड विद प्लेट ऑफ फ्लावर्स, जैगरी, राइस, कोकोनट एंड ग्रीन लीव, ऑफरिंग गुड विशेस। और क्या करती हैं जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, वो अपने आस पड़ोस में जाती हैं, उसमें एक जो प्लेट होती है उसमें फ्लावर लेके, जैगरी लेके, चावल लेके, कोकोनट लेके और हरी पत्तियां लेके, और अपनी अच्छी अच्छी विशेस मांगती हैं, अपनी जो वो चाहती हैं, जो उनकी जो मनोकामना होती है वे मांगती हैं। दे फूल देई चम्मा क्षमा देवी अ सॉन्ग एंड स्पार्कल राइस एंड फ्लावर एट द डोर स्टेप एट द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। और वो क्या करती हैं? फूल देई और क्षमा देई एक गाना है, क्या फूल देई क्षमा देई इस तरीके का एक गाना है। और वो जो राइस होते हैं, फूल होते हैं, जो चावल होते हैं, उनको जो दरवाजे होते हैं ना, उन पे बखेर देते हैं। कैसे? एक सिंबल की तरह, कि खुशी का एक संकेत है, एक सिंबल है ना, सांकेतिक रूप में। प्रोस्पेरिटी होती है संपन्नता। संपन्न क्या होता है? जहाँ पैसे की कमी ना हो। तो दे क्या आएगा? दे इज सिंगिंग या इज संग, सिंग्स या सिंग, तो वो गाती हैं। तो क्या क्या लिख देंगे इसमें? आपका जो आपका ये तीसरा ऑप्शन है, इसमें आ जाएगा आपका दे सिंग्स, है ना। तो इसमें आप दे सिंग्स कर देंगे मेरे बच्चों। जो आपका ये थर्ड है, इसमें आपका आ जाएगा सिंग्स। ठीक है, ये आपका पहला वाला, ये आपका दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, एस आई एन जी एस, सिंग्स। ठीक है, अब नीचे भी मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ बच्चों। जो पहला वाला है आपका, उसमें आप भरेंगे मार्क्स। ठीक है, दूसरा वाला भरेंगे इज सेलिब्रेटेड, और तीसरे में जो आपको फिल करना है वो करना है सिंग्स। सिंग्स नहीं आएगा, सिंग आएगा, क्योंकि प्लूरल है ना। आई एम सॉरी बच्चों, ये दे, वे गाती हैं,
तो इसमें क्या आएगा, क्योंकि वे कई लड़कियां हैं तो वो सिंग आएगा, ठीक है, वे गाती हैं। अगर एक लड़की होती तो सिंग्स आता, क्योंकि प्लूरल के साथ हम क्या कर लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसमें आपका दे सिंग आएगा। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों आज की आपकी वर्कशीट। तो आपको चार काम जरूर करने हैं। क्या करना है, सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्राइब भी करना है, और साथ में शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स, आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, और एक कमेंट लिख के बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, या और भी कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने को हैं, बोर्ड आपको फेस करने हैं, उससे आप बच नहीं सकते, तो वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद बच्चों।